कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने राजनीतिक दाव खेलना शुरू कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस ने लिंगायत काट खेलकर बीजेपी को घेरा, तो अब उसने भी पलटवार करने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, और इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कुछ संत भी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। खबर के मुताबिक कम से कम आधा दर्जन संत चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, और इस बार के चुनाव में कुछ संत राजनीति के बाजीगरों के साथ दो दो हाथ करते नजर आने वाले हैं। कर्नाटक में चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अभी जोरों पर है, और एक तरफ कांग्रेस जहां आरोप लगा रही है कि बीजेपी इन्हें उन जगहों से चुनाव लड़ने के लिए बहका रही है, तो जहां कांग्रेस काफी मजबूत है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इन संतों को योगी आदित्यनाथ से प्रेरित बताती है। वहीं बीजेपी इस बात से इनकार कर रही कि कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवारों के खिलाफ संतों के इस्तेमाल की कोई योजना है। बीजेपी सांसद शोभा करनालेज ने कहा कि अगर हम किसी स्वामी जी को समर्थन दें तो उसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उमा भारती केंद्र मंत्री हैं और कई स्वामी संसद में सांसद हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस ऐसे बेतुकी बातें क्यों करती है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।